हेलो एवरीवन वेलकम टू एप्टी प्लस एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज दिस इज द स्पेशल वीडियो ऑन डेली टॉपिक वाइज न्यूज एनालिसिस विद द कवरेज ऑफ द न्यूज़ वुड बी फ्रॉम टू लीडिंग न्यूज़पेपर दैट इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो उस न्यूज़ की टॉपिक है जो थीम है उसको समझेंगे ताकि आपका ज्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके फिल्म और मेन्स एग्जामिनेशन में सो दो ऑफ़ यू हु आर न्यू टू अवर चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसिज यूट्यूब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो Now coming to the today's topic list. So today is 24th of June and these are the list of the topic that I'll be discussing with you. So the first topic is food security and the farm welfare. The second is US suspend the H1B visas. The third is new phrase of political public communications and the last topic is transforming the educations, right? So these are the important topic for the day. And apart from this we'll have MCQs question at the end of this video.

so let's get into the topic so basically as you know uh, after pandemic the the desire for the agrarian reform has been arisen because pandemic ke baad bahut sari cheeze itni cheeze worst hui agriculture sector mein ki a long due jo bhi agrarian reform hai that is the need of the r ab iski zarurat hai टॉकिंग uh, अबाउट the ranking of the india in the global hunger index तो हमारी ranking बहुत अच्छी नहीं है 117 countries में 10 टू हमारा रैंक है दैट इज नॉट दैट वेरी ग्रेट एंड ऑल दो टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर बेसिकली जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का दैट इज सेवेंटीन परसेंट ऑफ द इंडियज जी डी पी राइट सो अगेन अ गुड नंबर एंड नियरली फिफ्टी परसेंट ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द

एंड द गवर्मेंट विजन टू डबल द फार्म इनकम जो कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि जो फार्म इनका है उसको डबल करना है बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू दैट सीम्स टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस और अभी उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है बिकॉज गवर्नमेंट इज रनिंग इट्सल्फ इन लॉड्स ऑफ डेफिसिट्स तो आई पर्सनली फील कि दिस कैन बी अचीव बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव उससे पहले अचीव करना इंडिया के लिए अभी भी बहुत मुश्किल होगा ना कमिंग टू द करेक्टिव मेजर्स दैट हैज़ बिन टेकन फ्राम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई है तो उसमें जो सबसे पहली है दैट इज अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव जो हमारी ई सी एक्ट है बेसिकली इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट एज एन ई सी एक्ट राइट ई सी एक्ट जो नाइनटीन फिफ्टी फाइव है उसमें चेंजेस लाए गए हैं और चेंजेस ये लाए गए हैं कि जो बहुत सारे जो फार्म प्रोड्यूस हैं जो नो बेसिकली पल्सेज हैं या भी और भी ऐसे जो आइटम्स हैं उनको डी रेगुलेट किया गया उनको डीलिस्ट किया गया एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट से तो फार्मर के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू भी इसको आगे बढ़ पाएंगे और सेंटर ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को दे हैव इनकरेज द स्टेट गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द थ्री मॉडल ऑफ लॉज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सो बेसिकली वॉट दे आर डूइंग कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो फार्मर का डायरेक्ट कॉन्टॉक्ट हो डायरेक्ट जो कंज्यूमर है फार्मर शुड भी डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड विद द कंज्यूमर और जो बेनिफिट्स हैं इन दोनों के बीच में डायरेक्टली शेयर राइट एंड एग्रीकल्चर लीजिंग एंड मार्केटिंग तो जो तीन चीज़ों पे जो सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दिस इज द फर्स्ट सेकेंड इज एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एंड थर्ड इज मार्केटिंग राइट तो ये तीन चीजों पर सेंटर का बेसिकली स्टेट को इनकरेजमेंट किया कि आप इस चीज पे आगे बढ़िए एंड द फिनेस मिनिस्ट्री हैव अर्ज द स्टेट टू डिसमेंटल द एग्रीकल्चर मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी जो हमारी ए है उसमें भी डी की गई है और बात की गई है किस तरह से फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके क्योंकि ए में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं फार्मर को एक सेलेक्टेड वेंडर्स तक के अपने सामान बेचने होते हैं जो कि एक लिमिटेशन है उनके अर्निंग पे

और सरकार ने भी इसमें चेंजेस लाया है कि कोई भी अगर आदमी कोई दूसरे स्टेट से अपने नेटिव स्टेट से दूसरे स्टेट में भी काम कर रहा है तो भी उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे मान लो कोई उत्तर प्रदेश का कोई अगर सिटीजन है उसकी राशन कार्ड जो वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो अगर उत्तर प्रदेश से बनी हुई है और इफ़ ही इज़ वर्किंग इन मुंबई राइट इफ ही इज़ वर्किंग इन मुंबई तो वहाँ पर वो बेनिफिट सेम बेनिफिट वो वहाँ पर भी ले सकते हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड एंड इट हेज़ रिलीज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ फ्री गुड्स एंड पल्सेस टू द माइगेंट इवन दो विदाउट राशन कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई तो अभी फ्री राशन जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी सरकार जुलाई तक दे रही है बट अभी रिसेंट आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी उन्होंने कहा था कि इसको आने वाले समय तक सेप्टेम्बर से अक्टूबर तक इंक्रीज कर दिया जाना चाहिए जुलाई से राइट थ्री मंथ मोर इंक्रीज है कांग्रेस ना इंडिया हैज़ ऑलवेज स्ट्रगल टू फिल द गैप बिटवीन द पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन एंड द इम्प्लीमेंटेशन तो हमने देखा है कि जब भी कोई पॉलिसी बनती तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी चैलेंजेस आती है और उसकी जो एग्जैक्ट जो रिजल्ट है जो ओरिएंटेशन है जो मोटिव है उसको पाना थोड़ा टफ हो जाता है इंडिया जैसा कंट्री में क्योंकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स बहुत ज़्यादा है इंप्लीमेंटेशन में वी आर नॉट दैट ग्रेट राइट कुछ कंसर्नस रेज किए गए हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं दे आर रिटर्निंग टू देयर होम दे हैव कम टू मेनी ऑफ़ द दीयर टू सिटीज़ और टीयर थ्री सिटीज़ या टीयर वन सिटीज़ में वो आए बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में टू अर्न मोर मनी बट जो कोविड नाइन्टीन की पेंडेमिक है उसके वजह से उनको वापस अपने घर जाना पड़ रहा है और ये सबसे बड़ी आयरनी है ये सबसे बड़ा विडम्बना है कि पीपल हु इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन दिस नेशन आर बी गोइंग टू हंगर नाउ जो लोग जो ऐसे किसान जो लोग किस खेत में अपना काम करते थे जो मजदूर काम करते थे देवर नो इंश्योरिंग दैट फूड सिक्योरिटी देर इज द कंट्री नाउ दे पीपल आर गोइंग हंगर सो दिस इज अ आयरनी ऑफ दिस कंट्री और इस पर सरकार को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना क्या मेजर्स ऐसे हैं जो सरकार को लेने की जरूरत है दिस इज वॉट सजेस्टेड जो एक्सपर्ट है जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है देयर ऑफ द ओपिनियन दैट गवर्नमेंट शुड इमिडिएटली स्विच फ्रॉम द कैश टू फूड क्रॉप राइट right? कि भाई इस पे ट्रांसफर किया जाए कैश फूड क्रॉप पे तरफ आगे बढ़ाया जाए एंड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एलोकेशन फ्रॉम द पुअर फार्मर थ्रू द पीएम किसान स्कीम तो जितने भी जो स्कीम्स जहाँ भी जो बेनिफिट्स हैं वो पी किसान स्कीम्स के थ्रू लोगों को दिए जा सकते हैं इंक्लूडिंग एवरी डू नॉट हैव है ओन लैंड तो पी किसान स्कीम में बेसिकली जो लैंड्स हैं या किस स्पेशल बेनिफिट्स उन लोगों को दिए जाते हैं तो यहाँ पे एक्सपर्ट का कहना है कि सारे लोगों को बेनिफिट्स एंटाइटल करने की ज़रूरत है नाउ इन्वेस्टिंग इन द रीडायरेक्टिंग सप्लाई चेन लोकली जो सप्लाई चेन है उसमें लोकली किस तरह से स्टॉक्स बढ़ाए जाएँ या उसको कैसा रेगुलेट किया जाए ताकि सारे लोगों को बेनिफिट हो पाए। एंड एन्श्योरिंग आ टाइमली एवेबिलिटी ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर फॉर द नेक्स्ट सीजन क्योंकि आपने देखा होगा इस टाइम पर रबी सीजन में वी डू नॉट है वेरी मच यू नो सब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाई है लेबर्स की प्रॉब्लम थी तो जो नेक्स्ट सीजन है उसमें फार्मर को सब्सिडाइज रेड में और सीड्स की अवेबिलिटी पहले ही एडवांस में कराने की जरूरत है ताकि जो भी चीज़ों की लॉस हुई है उसको वो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर में उसी क्राइसिस को पूरा कर पाएं

तो बेसिकली जो यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जहाँ पे अभी के लिए पॉज कर दिया गया है वन बी वीजाज को विथ एफेक्ट फ्रॉम टू डेट्स 24 ट्वेंटी फोर जून से ही आज के डेट से इसको टिल एंड ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो दिस इज समवेयर क्लोज टू दिसंबर 2020 राइट एंड दिस क्योंकि वहां पे नवंबर में इलेक्शंस हैं बेसिकली प्रेसिडेंट इलेक्शंस हैं उसकी वजह से ये सारी चीजें की जा रही है क्योंकि आपको पता है यूएसए ने बहुत अच्छे से पेंडेमिक को ओवरकम नहीं किया उतनी जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी जिस वजह से काफी लोगों को जॉब लॉस हुई है तो उसका एक कंपनसेशन के तौर पे ये देखा जा रहा है इंडियन एक्सपर्ट का ऐसा कहना है राइट right? मैं बताऊंगा यूएस ने क्या इसके लिए एक्सक्यूज दिए हैं या रीजन्स बताएं और एच वन जो वीज़ा है दैट इज़ ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दैट अलाउज़ यू एस कंपनीज टू एम्प्लॉय अ ग्रेजुएट लेवल फॉरन वर्कर स्पेशली इन द ऑक्यूपेशन तो जो बेसिकली जो इंडिया से जितने भी लोग जाते थे जो भी टेक्निकल के काम को हो या कोई भी अदर फील्ड से वो तो वन बी वीज़ा लेकर के थ्री ईयर्स के लिए जाते हैं थ्री ईयर के बाद उनको फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है दे आर दर प्रोसीजर्स दे टू हाँ तो फॉलो ना क्या इसकी इम्पैक्ट होगी तो डिसीजन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो आईटी इंडस्ट्री में होगा और आपने अगर कल का न्यूज़ देखा होगा तो जो गूगल के हमारे सीईओ हैं सुंदर पिचाई उन्होंने भी कहा है कि ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड इट विल सीवियरली इम्पैक्ट आई इंडस्ट्रीज़ राइट क्योंकि इंडियन आर द नंबर ऑफ द पीपल आर वर्किंग फॉर गूगल फेसबुक ये सारे ट्विटर में इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं and the tech work uh, hoping to move the US यू एस फॉर वर्क सफर्ड nowadays इनका भी इनको भी सीवियरली तरह से इंपैक्ट देखने को मिल सकती है न बात करेंगे कि कौन कौन से वीज़ाज हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं तो पहले तो एच फोर वीज़ा है जो एच वन डिपेंडेंट्स होते हैं उनके लिए उसके बाद L वीज़ाज़ जो कि इंटर कंपनी ट्रांसफर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं एच टू जो कि नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं एंड जे वीजाज दैट विल बी पॉज थ्रू दिस ईयर एट द एंड राइट तो इस ईयर के एंड तक ये सारी वीजाज को पॉज कर दी गई है ना यू एस की तरफ से कुछ रीजन्स बताए गए हैं कि क्यों इन्होंने इम्पोज किया सो फर्स्ट द सेट द ऑर्डर वॉज टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन जॉब ड्यूरिंग द ऑन को पेंडेमिक तो मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से जो कोविड को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया नाउ दे आर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स कि हम जॉब दूसरे कंट्रीज से नहीं बुला रहे ताकि वहाँ के जो अमेरिकन हैं उनको जॉब मिल सके नो दिस इज दिस एक्सक्यूज डज नॉट वर्क इन एन डेवलप्ड इकोनमी एंड इन द ग्लोबलाइजेशन एरा राइट नाउ बट दे हैव बिन क्रिटिकली दे जो टेक कंपनीज है एज वेल एज पॉलिटिशियन ऑफ़ द बोथ साइड वहाँ पे भी बेसिकली ये जो स्टेप्स है ये वेलकम नहीं किए गए हैं जो वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं जो वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी इसका खंडन किया है दे हैव नॉट एग्रीडेड राइट तो बात करें अगर एग्जैम्शंस की तो मैं आपको आगे एग्जाम्शंस बताऊंगा तो एग्जेपन्स की क्या हुई है कि यहाँ पे बेसिकली कुछ लोगों को एग्जैम्पन्स मिली है सो द ऑर्डर डज नॉट अलाइड टू द ग्रीन कार्ड जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको ये चीज़ों नहीं पे नहीं लागू होगी जो उनके पाउसेज हैं जो उनकी वाइफ्स हैं जो उनके बच्चे हैं दे वुड बी अलाउड दे वुड हैव ऑलरेडी बिन इन दू एस फॉर टेम्प्रोरी वर्क तो उन लोगों को इससे एग्जाम्प्ट किया गया है सो दे आर अलाउड टू गो राइट सो दिस इज द एग्जाम्शन पार्ट

द डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इट्स एफेक्टिवैस इन द प्रेजेंट सिचुएशन एमिट द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक एज वेल सो इन्होंने कहा कि जो डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है इज नाउ द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन अभी भी रहा है पहले से भी रहा है मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊँगा आगे तो सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं आर द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन एंड चैनल्स राइट और इंडिया ने जिस तरह से अपने टेक्नोलॉजी ड्रिवेन वर्ल्ड में प्रोसेस किया है आगे बढ़ा है तो चेंजेस इन द कंट्री पोलिटिकल डिस्कोर्स एंड नेचुरल कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज एंड पीपल विल बिकम मोर सिंपलर नाउ अदर पार्ट कि क्या क्या एक हेल्दी डेमोक्रेसी की इंग्रेडिएंट होते हैं एक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज द पब्लिक पार्टिसिपेशन इज द बेड रॉक फॉर द सक्सेसफुल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपने जनरल स्टडीज के इथिक्स पेपर में ऐसे चीज़ें लिखेंगे सो दिस विल गिव यू नेच तो जी पेपर फोर में ये चीज़ें इस्तेमाल कर पाएंगे नाउ द डिबेट्स डिस्कशन एंड द हेल्थी एक्सचेंज ऑफ आइडिया has to go in the strengthening the foundation of the democratic system. So, debate, discussion, these two are very important. Now, if we talk about history, if we continue, the first public gathering when this happened, so, the first public uh, gathering took place somewhere close to 19th century. Britain Prime Minister, Edward Galston in 1892, he started to make the public gathering as a medium of communications

ंग दैट तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल देर वॉज अ ट्रेंड ऑफ न्यूज पेपर मैगजीन एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंटअप आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत सारे ऐसे पत्रिकारे बहुत सारे ऐसे जर्नल्स थे जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का आइडियाज के लिए काम करते थे इन फैक्ट न्यूज पेपर एंड मैगजीन है टूल फॉर पोलिटिकल कन्वे इन द आइडियाज ऑफ द मासज राइट पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखा गया जो पोलिटिकल पार्टीज हैं दो कंटिन्यू थे इस चीज़ के यूज के लिए पोलिटिकल डिस्कोर्स के लिए और प्रिंट मीडिया के बाद जो चीज़ें उभरी वो थी रेडियो रेडियो इमर्ज एज अ मीडियम ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिबोइट के थ्रू लोगों को सोशली एंगेज किया जाता था ताकि उनको सोशल अवेयरनेस बताया जा सके जो विलेज में लोग रह रहे हैं वो रेडियो के माध्यम तक उनको जानकारी पहुँच सके उसके बाद स्टार्ट हुई टेलीविजन टेलीविजन ने बहुत ही ज्यादा चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुई और जो विजुअल और टेलीविजन वो द बिगेस्ट एडवांटेजेस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी एंड द पोलिटिकल लीडरशिप एज वेल एंड देर इज नो डाउट

तो जनरल स्टडीज के पेपर थ्री में ये चीज़ें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है नाउ कमिंग टू द पार्ट दैट द कोविड नाइनटीन पेंडेमिकज ऐ ह्यूज इम्पेक्ट ऑन द इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज्यादा जो हमारी इकोनॉमी है उसको इम्पेक्ट किया हमारे एजुकेशन को हमारे वर्क को हमारे ट्रैवल सिस्टम को जो ट्रैवल uh, इंडस्ट्रीज है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सारी चीज में सीवियरली इम्पैक्ट हुई है बट अगर बात करें पेंडेमिक से एक लेसन जो समझने की जरूरत है पूरी ह्यूमैनिटी को कि भाई कैसे नॉन ह्यूमन एंटिटीज एंड प्रोसेस कैन बी कनेक्टेड कैसे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं कैसे नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं कैसे जो आइडियाज़ है उसको कनेक्ट करके एक चेन बनाया जा सकता है राइट एंड इफ द लॉन्ग वेटिंग लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चेंजेस वुड कनेक्ट द सस्टेनेबिलिटी एक वेब ऑफ लाइफ बनेगा वेर पीपल वुड बी एबल टू थिंक एंड हाउ टू एजुकेट दमसेल्फ राइट तो कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि किस तरह से एक डिफरेंट मैथड होना चाहिए एडुकेशन का तो कुछ सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अगर मान लो हिस्ट्री जोग्राफ़ी इकोनॉमिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्रीज हैं तो दे वुड बी नो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं अगर जोग्रफ़ी की बात करें तो दे वुड डिस्क्राइब द लैंड एंड फॉरेस्ट हाउ द सिटीज़ वुड डेवलप हाउ द चेंजेस इन द कोस्टल एंड हिंडरलैंड वुड बी देयर वाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड द बॉडीज़ तो लोगों को इसके बारे में जोग्राफिकल के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए केमिस्ट्री की बात करें कार्बन साइकिल होगी तो लोगों को ये पता होगा कि भाई कि कोई भी केमिस्ट्रिकल से रिलेटेड है तो देख इंटीग्रेटेड राइट एंड दिस टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग विल डू अवे द प्रीवियसली टॉट नॉलेज तो लोगों के नॉलेज को कैसे ऑगमेंट कर सकते हैं कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या तो वो डिजिटल माध्यम से हो प्रिंट मीडिया से हो किसी भी तरीके से हो बट लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है इंस्टेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ईच डिसिप्लिन इन अ डिस्ट्रिक्ट सेपरेट वे लोगों को हर बेसिकली हर डिसिप्लिन का सेपरेट separate, सेपरेटली बताने अच्छा है कि उसको इंटीग्रेट करके एक जगह इकट्ठा करके लोगों को उस डोमेन के बारे में नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जानकारी दी जाए उसके अलावा ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बातें की गई है कि जिस तरह से ग्रीन इकोनॉमी मोर रिन्यूएबल रिड्यूस मोटर्स ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट और वर्किंग फ्रॉम द होम ये सारी चीज़ों में अभी ग्रीन इकॉनॉमी एक बूम की तरह मदद कर सकती है और जो पूरा एम है ग्रीन इकोनॉमी का इज टू टैकल द चेंजेस एंड मेनी लीव फॉर द डिस्कोर्स एंड डेवलपमेंट अनचेंज देखो ग्रीन इकॉनॉमी वैसे भी बहुत ज़्यादा पहले से भी अपने एक्शंस में रही है बट कोविड नाइन्टीन के बाद ग्रीन इकोनॉमी का एक अलग लेवल ही होगा पोस्ट Right? So, जरूरत है राइट right? न्या है इस तरह से लर्निंग जो होगी लोगों की तो दे ग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट चेंज किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं चाहे वो केमिस्ट्री की नॉलेज हो ना चाहे ज्योग्राफी की नॉलेज है उससे एंथ्रोपोजेनिक जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ अनलर्निंग होगी देर वुड बी डन विद द न्यू लर्निंग राइट तो लोगों को पुराने नॉलेज को डिमिनिश uh, no, करके और नए नॉलेज की तरफ आगे बढ़ाना उनको बेसिकली चीज़ों से अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड द कम्य जो करिकुलम डेवलपर्स है विल हैव टू रिकन्स्ट्रक्ट एंड रीबिल्ड द मटेरियल यूज फॉर द इम्पॉर्टेंट नॉलेज किस तरह से जो अपडेटेड नॉलेज है उसको करिकुलम में भी इंक्लूड किया जाए चाहे वो स्कूल लेवल हो कॉलेज लेवल हो या मास मूवमेंट के थ्रू लोगों को इस तरह की जानकारी दी जाए राइट right? और मैं ये बता दूं कि वी हैव स्टार्टेड अ डेली आंसर राइटिंग चैलेंज जहाँ पे आप अपने आंसर्स लिख पाएंगे फॉर मेंस आंसर राइटिंग हर सुबह आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगी और अपने आंसर आप 6 पीएम तक यहाँ पे भेज सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक चेक कर लें आप जो भी आंसर भेजेंगे उसको करेक्ट करके आपको बेसिकली फीडबैक भी दी जाएगी राइट सो डू चेक इट एंड टेक आउट द बेनिफिट आउट ऑफ इट न बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ जो कल के सवाल थे तो मैंने आपसे पूछा था अंडमान ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन तो जो पहला है वो इनकरेक्ट है दैट द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इज इन द साउथ आर सेपरेटेड बाय द वॉटर बॉडी विच इज कॉल्ड द टेन डिग्री चैनल और जो स्टेटमेंट टू है दैट द बेन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्ड इंडिया दैट इज सिचुएटेड इन द निकोबार आइसलैंड सो द करेक्ट आंसर इज ए कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए नॉन रेसिडेंट इंडियन हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग दर मनी इन इंडिया एंड सिंस द बॉन्ड द हाइर रिटर्न एंड द अर सिमिलर दे कैन भी यूज फॉर द टूल टू अट्रैक्ट कैपिटल ड्यूरिंग द टाइम और जो डोमेस्टिक एसेट फेल टू अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉरिन इन्वेस्टर्स उस समय इसका इस्तेमाल की जा सकती है एंड द एनआर आई बॉन्ड कुड बी थियोरेटिकली हेल्पिंग द डिमांड ऑफ द रूपी एंड स्टेबलाइज द ग्रेट वैल्यू अगेंस्ट इट राइट सो दिस इज इज ऑल अबाउट द द बॉन्ड राइट मूविंग अहेड टू दिसमसी क्वेश्चन ऑफ द डे सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉलिटी तो आपको कंसिडर करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड द फॉरनर ये पहला स्टेटमेंट है द सेकेंड इज नो सिटीजन वुड बी कंपेल्ड बाय द स्टेट टू पे एनी टैक्सेस ऑफ द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजियन और रिलीजियन इंस्टीट्यूशन सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर राइट सो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वन टू बोथ वन एंड टू अदर ऑफ देम वेरी इजी क्वेश्चन सो डू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो Now coming to the second question of the day. This is from the science and tech, uh, where the it can also be associated with the current affairs. With reference to hyperspectral imaging satellite, the Heise consider the following statement. First, it was launched using the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), and it is primary of Hysel to study the Earth's surface with uh, invisible near infrared, shortwave infrared region, and electromagnetic spectrum, right? Which among the following is the correct statement? Only one.

Wish you all the best. Stay home. Stay safe. Thank you so much.